जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय क्षेत्र अंतर्गत महेशुआ पंचायत की ईदगाह चौक की है। अपने परिवार के महिला को लेकर मधेपुरा जिला डॉक्टर अलका कुमारी से दिखवा कर वापस घर लौट रहा था कि अचानक बिना नंबर की अपाची बाइक से दो सवार अपराधी आ रहा था। अपराधियों ने आगे आकर वाहन रोका, साथ ही चालक सीट से उतार कर उलझ गया एवं मेरे ऊपर पिस्टल तान दिया, बोला डीपर क्यों दिया गाली गलौज करते हुए गोली मारने की धमकी दे डाली। तभी वाहन पर सवार महिलाओं ने अपराधियों के पैर हाथ जोड़े एवं ग्रामीणों को आता देख छोड़कर भाग गए, साथ ही वाहन का शीशा तोड़कर कई चक्र हवाई गोलियां भी चलाई। ग्रामीणों को देख अपराधी फरार हो गया। वाहन पर सवार महिला फूल कुमारी देवी ने बताया कि इस घटना से हम लोग काफी डरे सहमे हुए हैं। वहीं SHO संदीप कुमार सिंह ने बताया कि अरविंद कुमार नाम का व्यक्ति आवेदन देकर अपराधियों द्वारा कई चक्र हवाई फायरिंग चलवाने की सूचना दी है, साथ ही पिस्टल वट से वाहन का शीशा चकनाचूर कर दिया है। वहीं ये भी बताया कि बिहार में अब सिर्फ नाम का ही सुशासन बाबू का राज रह गई है। एंकर पिंकी सिंह के साथ बलराम कुमार की रिपोर्ट। क्या जानकारी मिली? अरविंद नाम के लड़का अपने परिवार के साथ मधेपुरा से इलाज करा करके आ रहे थे, बता रहे थे क्या नाम है, महेशवा ईदगाह चौक के समय एक लड़का अरविंद कुमार यादव अपने परिवार के साथ आ रहे थे मधेपुरा से इलाज करा करके। ईदगाह चौक से के पास जब पहुंचे तो एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति इसको आगे से क्रॉस करके चला गया। इसके बाद पुनः वापस लौट के आया, जैसा ये बता रहे थे कि गाड़ी हमको रोका और हमको गाली गलौज देने लगा कि सलाह दिन में डिपर चला करके चलता है। उसके बाद वो बता रहे हैं कि बट से मेरा शीशा फोड़ दिया और उसके बाद दो तीन फायर। उसके बाद ये भी बता रहे हैं कि घर के बगल वाला लोग भी थे, वो भी आके हमारा शीशा फोड़ दिया। ये बात है, इसका जाँच करने जा रहे हैं। कब की घटना से? अभी तुरंत आया। क्या कितने बजे की? अभी जस्ट दो तीन मिनट। अभी उसका जाँच किया जा रहा है। ईदगाह चौक के आगे कौन किया फायरिंग? नहीं जानते, पता नहीं। कितने आदमी से था फायरिंग? दो आदमी से था, अपाची से लड़का, पूरा नंबर प्लेट नहीं था। क्या कह रहा था वो? कह रहा था साइड का है मुझे, ऐसे साइड तो हम पूरे थे उसको, लेकिन किसी उधर से छूट जाए आगे हम लगा दिया। गोली भी चलाया? हाँ। कहाँ छठी गई? ऊपर से शीशा शीशा क्या नाम है? सुनील कुमार यादव। कहाँ घर है? गाड़ी किसका है? वो आप चलाते हैं, ड्राइवर हैं? कौन सी करने गए थे, कहाँ गए थे? मधेपुरा। कौन सी करने गए थे? के पास। क्या आदमी थे गाड़ी में? चार पांच आदमी थे। किसी गोली भी लगी है? ना। ऊपर के ऊपर फायर हुआ, बंदूक शीशा तोड़ दिया। बंदूक शीशा तोड़ दिया? कहाँ पर, किस जगह पे हुआ? कसा हाँ। चलिए हम लोग से ए बगल अलिये ईदगाह चौक से बीचे में आ एगो गाछी है लोग सबके टोल के घर एकेटा पहिने घर रहे मोरे को देखलिए। आ बस अपराधी अपाची गाड़ी से आगा में लगेलक है, आ बस गाड़ी के धक्का मार के ड्राइवर के निकाल लेलक है, गाड़ी पर गोली चलवा। क्या कह रहा था? सर कल के गाड़ी चलाने के लिए देखा है, हम तो 30 साल से अभी तुरंत मार देंगे गोली से तुरंत। अब बस तुरंत लौट कर के गोली या गाड़िये पर चलवा लगे ओकरा निकाल के आने का घर के आगे से गोली भी चलाया है। 3 राउंड से हे सर ऊपरों माथा फायर करके आ पब्लिक सब अल तो कह भाग 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 कोनो भाजे ड्राइवर दुआर पर सर चल गए ओकरा घुरा के लाल लगे ड्राइवर के एम का दया के ठेल के पब्लिक से कल के कोनो भाजा निकल नहीं तो मार दे। गोली गाड़ी पे भी चला है? अब 3 फायर किया है सर। ऊपर भी फायर किया है? ऊपर भी 3 फायर कल के एकदम करते भाग ले अपाची पे। एकेटा अपाची से आ एकटा पब्लिक ओहिमे से आबि के मारलकै एक चोट गाड़ी।
पहचानते हैं अपराधी को? नहीं सर, हमरा को नहीं पहचानै छी। मोटका रंग के छै आ एगो नक्का रंग के छै। कब गए थे यहाँ से? यहाँ से सर 8 बजे चले गए। सुबह कहाँ से गए थे? लहरनिया से। क्यों गए थे? मधेपुरा इलाज कराने के लिए, बेटी और पुत्र। कहाँ गए थे इलाज कराने? मधेपुरा। अभी वापिस आ रहे थे? हाँ। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज़ प्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।